वेरी वेलकम टू आवर चैनल क्रिकेट लवर। आज हम बात करने वाले हैं पुणे वॉरियर्स इंडिया के आईपीएल 2013 के फुल स्क्वाड के बारे में। पुणे वॉरियर्स इंडिया ने आईपीएल 2013 में 16 में से बस 4 मैच जीतकर पॉइंट्स टेबल पर सेकेंड लास्ट यानी कि 8th पोजीशन पर थे। पुणे वॉरियर्स इंडिया के पास रहने वाले बैट्समैन की बात करें तो वो थे ऑस्ट्रेलिया के एरन फिंच, ये एक राइट हैंडेड ओपनिंग बैट्समैन है और टीम के हाईएस्ट रन स्कोरर थे। ऑस्ट्रेलिया के स्टीव स्मिथ, ये एक राइट हैंडेड बैट्समैन है और टीम के मिडिल ऑर्डर के बैट्समैन थे। मनीष पांडे, ये एक राइट हैंडेड बैट्समैन है और टीम के मिडिल ऑर्डर के बैट्समैन थे। न्यूजीलैंड के रॉस टेलर, ये एक राइट हैंडेड और लोअर मिडिल ऑर्डर के बैट्समैन थे। बांग्लादेश के तामिम इकबाल, ये एक लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन है जो कि ओपनिंग करते हैं। उदित बिरला, ये एक राइट हैंडेड बैट्समैन थे जो कि मिडिल ऑर्डर में बैटिंग करते थे। हरप्रीत सिंह, ये एक लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन है जो कि टॉप ऑर्डर में बैटिंग करते हैं। धीराज यादव, ये एक लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन थे जो कि टॉप ऑर्डर में बैटिंग करते थे। अनुष्टुप मजुमदार, ये एक राइट हैंडेड बैट्समैन और लोअर मिडिल ऑर्डर के बैट्समैन थे। ऑस्ट्रेलिया के माइकल क्लार्क, ये एक राइट हैंडेड और मिडिल ऑर्डर के बैट्समैन थे। आईपीएल 2013 के लिए पुणे वॉरियर्स इंडिया के पास विकेट कीपर्स थे रॉबिन उथप्पा, ये एक राइट हैंडेड टॉप ऑर्डर बैट्समैन थे और टीम के सेकेंड हाईएस्ट रन स्कोरर थे। महेश रावत, ये एक राइट हैंडेड बैट्समैन थे जो कि लोअर मिडिल ऑर्डर में बैटिंग करते थे। एकलव्य द्विवेदी, ये एक राइट हैंडेड मिडिल ऑर्डर के बैट्समैन थे और इनको मौका नहीं मिला था। पुणे वॉरियर्स इंडिया के पास रहने वाले ऑलराउंडर्स की बात करें तो वो थे कैप्टन एंजिलो मैथ्यूज, ये एक राइट हैंडेड मिडिल ऑर्डर के बैट्समैन और राइट आर्म मीडियम बॉलर है। बैटिंग ऑलराउंडर युवराज सिंह, ये एक लेफ्ट हैंडेड मिडिल ऑर्डर बैट्समैन और स्लो लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलर थे। ऑस्ट्रेलिया के बैटिंग ऑलराउंडर मिचेल मार्श, ये एक राइट हैंडेड मिडिल ऑर्डर बैट्समैन और राइट आर्म मीडियम बॉलर है। इंग्लैंड के बैटिंग ऑलराउंडर ल्यूक राइट, ये एक राइट हैंडेड मिडिल ऑर्डर बैट्समैन और पार्ट टाइमर राइट आर्म मीडियम बॉलर थे। बैटिंग ऑलराउंडर अभिषेक नायर, ये एक लेफ्ट हैंडेड लोअर मिडिल ऑर्डर बैट्समैन और पार्ट टाइमर राइट आर्म मीडियम बॉलर थे। बैटिंग ऑलराउंडर तिरुमला शेट्टी सुमन, ये एक राइट हैंडेड मिडिल ऑर्डर बैट्समैन और पार्ट टाइमर राइट आर्म ऑफ ब्रेक बॉलर थे। बैटिंग ऑलराउंडर मिथुन मानस, ये एक राइट हैंडेड लोअर मिडिल ऑर्डर बैट्समैन और पार्ट टाइमर राइट आर्म ऑफ ब्रेक बॉलर थे। वेस्ट इंडीज के बैटिंग ऑलराउंडर मार्लन सैमुएल्स, ये एक राइट हैंडेड मिडिल ऑर्डर बैट्समैन और राइट आर्म ऑफ ब्रेक बॉलर थे। बॉलिंग ऑलराउंडर पारवेज रसूल, ये एक राइट हैंडेड लोअर मिडिल ऑर्डर बैट्समैन और राइट आर्म ऑफ ब्रेक बॉलर है। बैटिंग ऑलराउंडर रेफी गोमेज, ये एक राइट हैंडेड लोअर मिडिल ऑर्डर बैट्समैन और राइट आर्म मीडियम बॉलर थे। बॉलिंग ऑलराउंडर श्रीकांत वाघ, ये एक लेफ्ट हैंडेड लोअर मिडिल ऑर्डर बैट्समैन और लेफ्ट आर्म मीडियम फास्ट बॉलर है। आईपीएल 2013 के सीजन में पुणे वॉरियर्स के पास तीन गेंदबाज थे। राहुल शर्मा, ये एक लेग ब्रेक गुगली बॉलर थे और टीम के थर्ड हाईएस्ट विकेट टेकर थे। स्पिन बॉलर अली मुर्तजा, जो कि एक स्लो लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलर थे। श्रीलंकन स्पिनर अजंता मेंडिस, ये एक राइट आर्म ऑफ ब्रेक बॉलर हुआ करते थे। आखिरकार पुणे वॉरियर्स इंडिया के पास रहने वाले तेज गेंदबाज थे अशोक दिंदा, ये एक राइट आर्म मीडियम फास्ट बॉलर है और टीम के हाईएस्ट विकेट टेकर थे। भुवनेश्वर कुमार, ये एक राइट आर्म मीडियम बॉलर है और टीम के सेकेंड हाईएस्ट विकेट टेकर थे। साउथ अफ्रीका के पेसर वेन पार्नेल, ये एक लेफ्ट आर्म मीडियम फास्ट बॉलर है। ऑस्ट्रेलियन पेसर केन रिचर्डसन, ये एक राइट आर्म फास्ट मीडियम बॉलर है। मीडियम पेस बॉलर ईश्वर पांडे, जो कि एक राइट आर्म मीडियम बॉलर थे। और आखिरकार कृष्णकांत उपाध्याय, जो कि एक राइट आर्म मीडियम बॉलर थे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो फिर प्लीज इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, आपके हिसाब से बेस्ट प्लेइंग 11 कमेंट्स कीजिए और हो सके तो प्लीज इस वीडियो को एक शेयर कर दीजिए। और आखिरकार प्लीज हमारे चैनल क्रिकेट लवर को सब्सक्राइब कीजिए।